नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले महिंद्रा बलेरो नियो प्लस भी लॉन्च हो चुकी है, और उससे पहले हमको महिंद्रा बलेरो नियो तो मिलती ही थी। नियो में हमें 7 सीटर मिलता था, लेकिन नियो प्लस में हमें 9 सीटर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में अगर अंतर की बात करी जाए तो कुछ ऐसे डिफरेंस है यहाँ पे जिनको बिल्कुल एक आम इंसान भी निकाल सकता है। अब आपको लगता होगा कि भाई दोनों गाड़ियों में बलेरो नियो और बलेरो नियो प्लस बस नाम का ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफी ज्यादा चीजों में अंतर है। बलेरो नियो में आपको काफी ज्यादा चीजें मिल जाती है जो कि बलेरो नियो प्लस में मिसिंग है। अब इन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज बिल्कुल मतलब काफी बारीकी से समझने वाले हैं हम इस वीडियो में कि भाई बलेरो नियो प्लस पे 9 सीटर पे जाना चाहिए, बड़े इंजन पे जाना चाहिए, या फिर हम 7 सीटर गाड़ी यानी कि अपनी ओल्ड वाली बलेरो नियो ले लें और वहां पे हमें छोटा इंजन मिलता है, माइलेज बेहतर मिलता है और भी कई चीजें पहले वाली बलेरो में बेहतर है। बात करूं अपनी महिंद्रा बलेरो नियो ओल्ड वाली के इंजन की, तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर 4 वाल्व टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलेगा जो यहाँ पे 100 BHP जनरेट करेगा 3750 RPM पे, 260 Nm टोक जनरेट करेगा आपका लगभग 3000 RPM पर। इधर नियो प्लस में आपको ओल्ड वाली स्कॉर्पियो यानी कि S10 वाला डीजल इंजन मिलेगा, यहाँ पे आपको 2.2 लीटर 4 सिलेंडर 4 वाल्व टर्बो चार डीजल इंजन मिलेगा जो 118 BHP जनरेट करेगा 280 Nm टोर्क के साथ। बलेरो नियो ओल्ड वाली में आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन नियो प्लस में 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा। अब वैसे तो देखा जाए पावर के मामले में हल्का सा फर्क है, ये कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ बलेरो नियो प्लस यहाँ पे विनर हो जाती है क्योंकि उसके पास एक गियर ज्यादा है, 20 Nm टोर्क ज्यादा है और लगभग 18 BHP ज्यादा है। लेकिन ये पावर फिगर्स आपको नंबर में ज्यादा लग रहे हैं, वैसे एक्चुअल में ज्यादा है नहीं क्योंकि बलेरो नियो प्लस का वेट भी बलेरो नियो से ज्यादा है। डायमेंशंस की बात करूं तो नियो प्लस की लेंथ यहाँ पे 4400 mm, विड्थ 1795 mm, हाइट 1812 mm, व्हील बेस 2680 mm, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों का 185 mm प्लस है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी बलेरो नियो प्लस में 60 लीटर की मिलेगी, लेकिन बलेरो नियो में आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। लेंथ 3995 mm क्योंकि ये गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर है तो इसलिए इस गाड़ी पे टैक्स कम लगता है। विड्थ 1795 mm बिल्कुल सेम है दोनों गाड़ियों की, हाइट भी सेम है 1817 mm। अब डायमेंशन वाइज दोनों गाड़ियों में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेंथ अपनी बलेरो नियो प्लस की ज्यादा है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी की ही बड़ी है, 10 लीटर ज्यादा डीजल आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि नियो प्लस में आपको बड़ा इंजन मिलता है तो इसलिए फ्यूल कंज्यूम भी ज्यादा करेगा, तो यह भी आपको सेम सा यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। अब मैं दोनों ही गाड़ियों के टॉप वेरियंट के सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेता हूँ क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में सेम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, 6 एयरबैग किसी भी गाड़ी में नहीं है। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक दोनों गाड़ियों में मिलेंगे, ABS, डुअल एयरबैग, रिमोट सेंटर लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, फ्रंट साइड इंपैक्ट बीम, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट, रियर पार्किंग में आपको 2 सेंसर्स और कैमरा मिल जाएगा। अब बात जैसे ही मैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की करूंगा तो बेसिकली दोनों गाड़ियों का इंटीरियर डिजाइन और फीचर्स बनावट बिल्कुल सब कुछ सेम है, तो एक ही बार कवर कर देता हूं। जैसे ही इनसाइड डोर पैनल देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम मिलेंगे, काफी अच्छे इनसाइड डोर हैंडल आपके सिल्वर फिनिश में मिलने वाले हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स गियर लीवर के पास मिलेंगे दोनों ही गाड़ियों में, और दोनों ही गाड़ियों में आपको आर्म रेस्ट मिल जाते हैं फ्रंट की सीटों के लिए सेपरेट यानी कि अलग अलग। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल AC मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, आप इसमें कुछ लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऑक्स और USB का पोर्ट जो मिलता है ये आपका म्यूजिक के लिए है। ये आफ्टर मार्केट से यहाँ पे डिस्प्ले दी गई है, काफी बकवास वाहियात क्वालिटी की है, मतलब बिल्कुल महिंद्रा को शर्म करनी चाहिए इसे देखते हुए इतने पैसे की गाड़ी में। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन के आसपास अपना पियानो ब्लैक मिल जाएगा, ऊपर आपको सिल्वर गार्निश मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। जैसे स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे तो पूरा सर्कल में रहेगा, एक साइड मल्टीमीडिया के कंट्रोल, दूसरी साइड क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है, सिल्वर गार्निश मिलेगी। यहाँ पे आपको महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो मिलेगा। MID जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। गाड़ी के केबिन में आपको कोई भी सनग्लास होल्डर जैसे या फिर सनरूफ जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओआरवी में मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल नहीं है, और यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर भी मिल जाता है। आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिलता है, इको AC का फंक्शन दोनों ही गाड़ियों में है, यानी कि आप अपने AC को इको मोड में कर सकते हैं, इससे आपकी गाड़ी में कूलिंग भी रहेगी और फ्यूल कंज्यूमेशन भी ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के सेकंड रो में आपको AC वेंट्स नहीं मिलते और ना ही आपको सेकंड रो की रूफ पे लाइट्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ सेकंड रो की आपको सीट बड़ी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको काफी अच्छा कंफर्ट भी दोनों ही गाड़ियां देंगी, सेम सीट रहेगी दोनों ही गाड़ियों में, और दोनों ही गाड़ियों के सेकंड रो का आपको हेडरेस्ट 2 एडजस्टेबल मिलेंगे, आर्मरेस्ट किसी भी गाड़ी में नहीं है। बूट में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे आपको बलेरो नियो प्लस में काफी बड़ा बूट स्पेस मिलेगा अगर आप फोल्ड कर देते हैं अपनी 4 सीटों को। 4 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 फट्टे एक तरफ लगाए गए हैं, 2 एक तरफ, उनको ये लोग 9 सीटर बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बलेरो नियो ओल्ड वाली की अपनी 2 सीटों को फोल्ड करते हैं तो वहां पे आपको बूट काफी कम मिलेगा। अब मैं इस स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स इसके साथ मिल जाते हैं, USB
भी ओक्स और ब्लूटूथ ही सपोर्ट करता है एफएम के साथ। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले या फिर महिंद्रा के कोई कनेक्टिविटी वाले फीचर्स यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ भी। अब मैं बात दोनों गाड़ियों के कलर ऑप्शंस की करूँ तो बलेरो न्यू प्लस में आपके पास कलर ऑप्शंस कम है, लेकिन ओल्ड वाली बलेरो में अभी भी कलर्स ज्यादा हैं। प्लस अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर, डायमंड व्हाइट और नेपोली ब्लैक ही मिलेगा, लेकिन अगर आप खरीदते हैं अपनी ओल्ड वाली बलेरो तो यहाँ पे आपको रोकी बेज, रेड, सिल्वर, नेपोली ब्लैक और डायमंड व्हाइट मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट की, तो जैसे हम फ्रंट से दोनों गाड़ियों को देखेंगे बिल्कुल आपको देखने में सेम सी ही लगेगी, लेकिन यहाँ पे दो तीन डिफरेंस है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप शोरूम में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ये चीजें वो लोग बताएंगे, सीधा कहेंगे कि भाई अपनी बलेरो न्यू प्लस 9 सीटर खरीदो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। जैसे फ्रंट से ग्रिल देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम ग्रिल मिलेगी महिंद्रा के लोगों के साथ क्रोम फिनिश में। नीचे आप देखेंगे फोग लाइट मिलने वाली है हैलोजन में, और हैलोजन में ही दोनों गाड़ियों की सिंगल बैरल लाइट रहेगी अपनी, यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह नहीं मिलता। लेकिन बलेरो न्यू प्लस में आपको डे टाइम रनिंग लाइट यानी कि ना ही तो डीआरएल्स मिलेगी और ना ही यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन मिलेगा। लेकिन ओल्ड वाली बलेरो अगर आप खरीदते हैं तो वहां पे आपको कॉर्नरिंग लाइट भी मिलेगी N10 यानी कि टॉप वेरियंट में, और डीआरएल्स भी मिलेंगी। अब ये अपनी बलेरो न्यू P10 जो है इनकी प्लस वाली, इसको इन लोगों ने बनाया है भाई टैक्सी पर्पज के लिए। अब ये गाड़ी पहाड़ों में भी जाएगी, बेकार रास्तों पर भी जाएगी, और इस गाड़ी में कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन ही नहीं है, तो मतलब क्या ये तो बिल्कुल बात हजम होने वाली नहीं है। ये महिंद्रा को छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। ORVM पे इंडिकेटर किसी भी गाड़ी में नहीं है, फेंडर पे इंडिकेटर रहेगा। फुट स्टेप दोनों ही गाड़ियों में ब्लैक फिनिश में मिल जाएंगे। आउटसाइड डोर हैंडल्स ब्लैक फिनिश में है। BC पिलर मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा, AB बॉडी पेंट में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, बलेरो न्यू प्लस में आपको 16 इंच के ये अपने सिल्वर फिनिश में अलॉय व्हील्स मिलेंगे, नया डिजाइन है स्टार शेप में। लेकिन अपनी ओल्ड वाली बलेरो न्यू में हमें 15 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे, वो भी हमारे सिल्वर फिनिश में ही है, और दोनों के डिजाइन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बात टेल सेक्शन की करूँ तो दोनों ही गाड़ियों की टेल लाइट्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पर्सनली मुझे बलेरो न्यू की टेल लाइट थोड़ी बेहतर लगी, क्योंकि वो थोड़ी नीचे तक है और कहीं ना कहीं गाड़ी का थोड़ा लुक्स को इनहेंस कर रही है पीछे से। वाइपर, वाशर, डिफोगर तीनों चीज़ें मिलेगी, लेकिन आप अगर बलेरो न्यू प्लस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन में अपना हाई स्टॉप माउंट लैंप मिलेगा, जो देखने में फिर से थोड़ा मतलब अटपटा सा लग रहा है, लेकिन बलेरो न्यू में आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप LED में मिलने वाला है। अब मैं बात अगर प्राइसिंग की करूँ तो बलेरो न्यू प्लस 9 सीटर आपको ऑन रोड देहरादून लगभग 14,80,000 से 14,90,000 रुपए की कीमत में मिल जाएगी। आपकी सिटी में भी लगभग प्राइस इतना ही होगा। लेकिन बलेरो न्यू प्लस का टॉप वेरिएंट आपको, जो टॉप सेलिंग वेरिएंट है, ये मिल जाएगा आपको 13,40,000 रुपए का N10R। इसमें आपको सब फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप N10 ऑप्शनल खरीदते हैं जिसमें आपको MLD भी मिलेगा, मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल, ये आपको 14,00,000 रुपए में वेरिएंट मिल जाएगा। अब अपनी बलेरो न्यू प्लस में हमें MLD नहीं मिलता लगभग 15,00,000 रुपए देने के बाद भी। अब MLD काम क्या करता है और इसके फायदे क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, बलेरो न्यू रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो भाई ये पहाड़ों वाड़ों के लिए काफी बेहतर रहेगी, उस हिसाब से इस गाड़ी को बनाया गया है। और यहाँ पे आपको MLD मिलता है, तो MLD का यूज ये है, अगर आपकी गाड़ी कहीं थोड़ा बहुत फंसती है पीछे से, तो इस गाड़ी में आपको एक ऐसा सिस्टम मिलेगा, अगर आपके एक पहिए को ज्यादा पावर चाहिए और दूसरे पहिए को जरूरत नहीं है पावर की, तो आपका ऑटोमेटिक गाड़ी ऐसे सेंस करेगी, आपके उस पहिए को पावर दे देगी जिसको जरूरत है, और जिस पहिए को जरूरत नहीं है उस पहिए को बिल्कुल लॉक कर देगी, वो घूमेगा नहीं और बिल्कुल सारी फोर्स एक तरफ जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी आसानी से कहीं से भी बाहर निकल सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी फीचर आपको 9 सीटर अपनी बलेरो न्यू प्लस में नहीं मिलता। ओल्ड वाली बलेरो में आपको दो कलर्स ज्यादा मिल जाते हैं, वैसे तो उनको कोई खरीदता नहीं है। कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन वहां पे आपको मिल जाता है, और DRLs भी आपको दी गई है, जो गाड़ी की थोड़ी लुक्स को इनहेंस कर देती है। अब जिन लोगों को MLD BLD से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों के लिए बता दूं, 13,30,000 रुपए में बलेरो न्यू का N10R वेरिएंट आ जाता है, जिसमें सारे फीचर्स हैं जो भी मैंने आपको गिनवाए। 1,50,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है अपना। 1,50,000 रुपए का अगर फ्यूल आप फूकने लगोगे तो कम से कम 2 साल से 2.5 साल तक चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे तो वहां पे आपका DF का खर्चा कम होगा, माइलेज बेहतर देगी क्योंकि छोटा इंजन है, और यहाँ पे आपको CTVT में ड्राइव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि गाड़ी की लेंथ कम है। और बात अगर इस 9 सीटर वाले लालच की जाए तो मेरे हिसाब से बलेरो न्यू जिन लोगों के पास है, उन लोगों ने कभी इस गाड़ी की लास्ट की 2 सीटें यूज नहीं की होंगी। अगर 9 सीटर ले लोगे तो क्या ही मतलब कुछ बिल्कुल ज्यादा फायदा है नहीं, कोई यहाँ पे बैठ कर खुश नहीं है, जो भी बैठेगा वो गालियां ही देगा। बात अगर इंजन और सर्विस कॉस्ट की जाए तो वो भी बलेरो न्यू ओल्ड वाली का ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको छोटा इंजन मिलता है तो सर्विस कॉस्ट थोड़ी कम आएगी। इतना पैसा डाल के फायदा था अगर इस गाड़ी में आपको सेफ्टी अच्छी मिलती, या फिर न्यू प्लस में 6 एयरबैग दिए गए होते और सेफ्टी फीचर्स थोड़े ज्यादा होते,
तो इतना पैसा डालना वर्थ था। मेरे हिसाब से अगर इतना ही पैसा डालना है तो कुछ और पैसा डाल के स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस या फिर स्कॉर्पियो एन ले लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।